हेलो भाई, मैं सुमित धाना। तो भाई आज बैठे हैं हम एक ऐसी एसयूवी में, गैंगस्टर एसयूवी, जो बहुत से लोगों का ड्रीम होती है। पर ये इसकी सबसे पहले वाली शेप है, मतलब सेकंड फेसलिफ्ट वर्जन है इसका, और ये 2009 मॉडल है। तो इसके इंटीरियर से और स्टेयरिंग वगैरह से तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा ये कौन सा वेरियंट है। तो मैं बता दूँ जिन लोगों ने पहचाना, हम बैठे हैं स्कॉर्पियो 2009 मॉडल में। तो मैं बताऊँ, ये चल गई अपनी 1,37,000। तो अपने साथ अपने कुछ भाई भी है। हाँ भाई, कैसे सर मारे हो? अरे बहुत बोल रहा हूँ, बोल। ये हमारे मिठल लाल। तो बहुत दूर रहता पहले से। तो ये 2009 मॉडल है, इसके ओनर से बात करेंगे। इसके ओनर है हमारे अरुण भाई। तो ओनर से पूछेंगे, इसके 2009 से 13 साल हो गए इस गाड़ी को लगभग, है भाई? हाँ भाई, 13 साल हो गए। 10 साल में तो यू आ गई एज वगैरह, तो इसकी खत्म हो गई है सब कुछ। तो यूके रजिस्ट्रेशन है ये अपना, है ना? हाँ भाई। तो दिल्ली में तो ना चल रही, पर बाहर चल रही है। दिल्ली से दिल्ली में ले जाओ भी ना, ले जाते ना भाई, दिल्ली में ना ले जाते हैं नहीं। और दिल्ली से भी तो पता लगेगी, बाहर चल रही। अब गाड़ी की कंडीशन वगैरह मैं देख रहा था, कंडीशन तो बिल्कुल एवन है, कोई दिक्कत ना, और है ही भाई जेन्युइन, बता क्या रहा हूँ मैं। ये देख लो अपनी बाग पे भैया, देख लिया मैंने पेड़ भी उधर, मैं लगा दूं ऐसे ऐसे। अरुण तू लगाइए, रुक जा। गांव के ही भाई हैं मेरे भी। तो गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन देख लो, ये यूके रजिस्ट्रेशन है अपना। तो अंदर ही बैठते हैं। तो भाई अपनी स्कॉर्पियो लेने का कैसे विचार बना? भाई स्कॉर्पियो का युवा पहले वैगनार थी। हाँ भैया का कंस्ट्रक्शन का काम था। हाँ। तो 7-सीटर फैमिली टाइप में। हाँ। तुम्हें पता है स्कॉर्पियो का कैसे, मतलब उस टाइम पे क्रेज चल रहा था। हाँ, उस टाइम पे क्या भाई, वो तो आज भी टोरा तो अलग ही है स्कॉर्पियो का अपना ना, तो उस हिसाब से फिर यही लेनी पड़ी। और मैं परिचय सबसे बेस्ट, मतलब सब में चॉइस यही सबसे बढ़िया लगी। परिचय दूं भाई का, भाई मेरा बहुत बढ़िया मित्र है, चड्डी बड्डी यार बोले जिसे। तो 2009 मॉडल है, 13 साल हो गए डीजल में है, और 10 साल में यू अपनी आ जावे। तो मैं चला के देख रहा, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाई जाए। और मीटर में 1,37,000 किलोमीटर यू चल चुकी है अब तक। तो मतलब 9,009 मॉडल के हिसाब से तो बहुत कम चली है यू भाई। 9 मॉडल के हिसाब से ऐसा है, पहले दूसरी गाड़ी रही है हमारे पास। हाँ। में तो एक से तो इतना काम नहीं बनता, फिर दोनों चलती रही कंटिन्यू, तो उस वजह से थोड़ी कम चली। अब और कौन कौन सी गाड़ी है? वैगनार भाई, वैगनार तो नहीं है, स्विफ्ट एक। अच्छा स्विफ्ट है, स्विफ्ट एक, वो भी डीजल में ही है अपनी, वो भी डीजल में ही है। एक अभी सीएनजी ली है डिजायर। हाँ, अच्छा वो सीएनजी में, वो सीएनजी में ली है। 1,37,000 चला दी जैसे, तो गाड़ी में कुछ दिक्कत वगैरह आई अभी तक? अभी तक तो भाई ऐसी कोई दिक्कत ना आई, इंजन में कोई परेशानी है इसके में? फैमिली मेंबर चलावे तो हाँ। अपने चलाओ तो तुम्हें पता ही है कैसे चले गाड़ी। और इंजन वगैरह में? इंजन वगैरह में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ना बंधा इंजन ना कुछ। हाँ। अब 13 साल हो गए इसे, यूके रजिस्ट्रेशन है तो 15 साल चल रही है। दिल्ली में ले जाने में तो बहुत दिक्कत होती है दिल्ली भाई, दिल्ली ले जाते ना इधर, ले जाते ना नहीं ले जाते। अब एंट्री बंद है दिल्ली में इसकी? एंट्री का हम लेके ना गए अभी तक, 10 साल के बाद में लेके ना गए, लेकिन और कहीं भी ले जाओ ऐसे दिल्ली से अलग, कोई प्रॉब्लम ना और कोई दिक्कत ना। तो ये यूके का रजिस्ट्रेशन, इसका पहले से यूके का था या बाद में ट्रांसफर करवाया 10 साल के उससे? पहले से यूके कराया भाई। अच्छा पहले से यूके ली थी, भैया का उधर ही काम था। अच्छा उन्होंने उधर से रजिस्ट्रेशन करा के यूके से ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया अपना। नहीं ये तो बहुत बढ़िया यार। अब 10 साल, अब देख लो गाड़ी 1,37,000 कुल चली है, कंडीशन देख ली कि मतलब A1 कंडीशन है इस मॉडल के हिसाब से। और अपनी अब 2 साल बाद तो भाई ना दिल्ली की रहने की, ना यूपी की, ना यूके की, फिर तो स्क्रैप में ही जाएगी। बिल्कुल भाई, स्कॉर्पियो N की सोच रहे हैं अब लेने की। अब जैसा, हाँ मैं वही तो सोच रहा था, अब जैसे 9 के बाद भी क्लासिक आ गई थी अपनी, फिर 2015 के आसपास, और अब स्कॉर्पियो N भी आ गई, तो अपग्रेड करने की ना सोची इससे? अपग्रेड की सोच रहे भाई, थोड़ी प्रोफेशनल थी मतलब आ रही है गाड़ी अब तो। N प्रोफेशनल में ही आ जा अपनी। हाँ भाई बिल्कुल, तो विचार अब
एन लेने का विचार है, लेने का विचार है। जो अपग्रेड करने की सोच रहे हो? बिल्कुल भाई। तो क्लासिक ना सोच रहे? क्लासिक ना सोच रहे भाई। यार एन तो थोड़ी प्रोफेशनल में चली जाओ, क्लासिक का अपना अलग टोरा है, बदमाशी गैंगस्टर टाइप में तो क्लासिक ही है। 13 साल से चला रहे हैं, इससे भी देख लिया उसे देख लेंगे। तो इसकी जब उस टाइम पहली रोड प्रेजेंस कैसी थी इसकी? तो तुम्हें पता होगा क्लासिक आने से पहले किस तरीके से पड़े मतलब। और भाई नाम है इस गाड़ी का अपने टाइम में भाई। और जब नया मॉडल लॉन्च कराना इसका 2014-15 में, तो वो आंखों को चढ़ा ना है एकदम से, एकदम नहीं चढ़ा। हाँ यही जब उसके सामने थे यही जबरदस्त लगे और मतलब गाली दी महिंद्रा वालों को कि हाँ वो भी अब आके सही आने लगी है पिछले 2-3 साल से। 2-3 साल से लोगों ने गाली दी महिंद्रा को कि ये इतना बढ़िया मॉडल बंद कर दिया यार, ये क्या कर दिया। पर अब क्लासिक भी जबरदस्त है अपने उसमें, मतलब एक ड्रीम हो जावे ऐसी एसयूवी का, मतलब टोरा अलग है अपना यारों दोस्तों के हिसाब से। फैमिली कार तो इसे ना बोल सकते, पर हाँ बोलते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, मतलब यही बढ़िया परफेक्ट लगी। जो डीलर और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी पे यही शूट करा है। बिल्कुल बिल्कुल अपनी। तो अब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या ज्यादा पड़ रही होगी मेरे हिसाब से? कितनी पड़ जा लगभग इसकी सर्विस वगैरह? कितने रुपए में हो जाओ भाई? ऐसी कि 10 से 15 के आसपास। 10 से 15 के आसपास। और कुछ इससे अदर का एक्सपेंस कुछ मेंटेनेंस कुछ बड़ा हो? इतना कुछ नहीं मानती, बस सर्विस ही है। सर्विस 10,000 किलोमीटर पे हो बस ये अपनी। हाँ 10 पे 8 पे अपना टाइम पे कराए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाड़ी में। और एसी वगैरह सब बढ़िया चल रहा है, एकदम फिट है। ये म्यूजिक सिस्टम अलग से लगवाया इसका अपना है, अलग से लगवा रखा। तो जैसे अब तो ये नई तो मिली ना रही, खैर सेकंड हैंड मार्केट में 2014-15 मॉडल देखने के लिए मिल जाए अपना। बिल्कुल। तो जैसे कोई अपना भाई लेना चाह रहा हो तो रिकमेंड करोगे लेने के लिए? भाई अभी तो हाँ कर देंगे, वैसे अभी सोच रहे अगले साल मतलब लेना चाह रहे हैं कोई जनवरी फरवरी में। हाँ। उस टाइम पे तो करनी पड़ेगी। अच्छा इसे ही सेल करने की सोच रहे हो आप? बिल्कुल। चलो तो मैं इंस्टाग्राम डाल दूंगा अपना, देख लेंगे जो तो जैसे भी किसी का। अगर कोई भाई लेना इसे चाह रहा हो इसके लिए मैसेज कर लेना। पर जैसे कोई अदर भी कहीं किसी से लेना चाह रहा हो तो कोई नेगेटिव पॉइंट है इसमें जो बताना चाहोगे? ऐसा कोई नहीं भाई नेगेटिव तो इसमें। अभी हाई स्पीड कितने तक चला रखी है आपने? स्पीड भाई 120। फुल कॉन्फिडेंस आवे चलाने में? मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़िया तरीके से। ये डबलिंग या सस्पेंशन वगैरह कैसा? ऐसा बताओ स्कॉर्पियो के पलटने के चांस ज्यादा रहे थोड़ा? ना भाई ऐसा बॉडी शेप ऐसी है, थोड़ा सा गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है तो हाँ। करेगी वो तो रोड पे। एक इसका जो बॉडी रोल है वो स्ट्रक्चर जो बना हुआ वो वैसा है थोड़ा? हाँ थोड़ा देखने में ऐसा लगता है, लेकिन रोड पे जब चलती है ना गाड़ी हाँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलती है। अब ये चलो अब कहने सुनने वाली बात है, जब खुद चलाओगे जब पता चलती है। हाँ ना वैसे चलाने का तो मजा अलग ही है इसका। अभी तुमने चलाई भी है तुम्हें पता भी लग रहा होगा कैसा इंजन है इसका। हाँ इंजन भी बढ़िया है, इंजन में कोई दिक्कत ही ना आई अभी तक? इंजन में अभी तक कोई प्रॉब्लम ना इसके में। यार वो ही है अब जी पे जोर तो पड़ा है जब गाड़ी अब तो कंपटीशन कंपनियों में इतना होगा, हर 3-4 साल में गाड़ी पुरानी हो जाएगी तुम्हारी। नई गाड़ी इतनी आ रही है तो हर 3-4 साल में गाड़ी पुरानी हो जाओ, फिर बदलने का ही मन करे बदलने करे, लेकिन जिस हिसाब से इसकी एज है जितनी उसी हिसाब। हाँ आज के टाइम पर मेंटेन बहुत अच्छी रखी है यार तरीके से भाई। 13 साल तुमने इसमें अपनी पावर विंडो वगैरह ना इस टाइम पे? उस टाइम पे भाई आई नहीं इस वाले मॉडल में, टॉप में ही आ रही है। थोड़ा सा एवरेज के हिसाब से ली थी उस टाइम पे। माइलेज कितना देता है ये अपना? माइलेज भाई इसका 10-11 का। 10-11 का बस? बस नई वाली का अच्छा रहा, क्लासिक का अच्छा रहा भाई उसका। 16-17 तक हाँ 16-17 तक हाईवे पे निकाल दे आराम से। और एन का तो अभी डिस्क्लोज कराई ना इन्होंने, स्कॉर्पियो एन कितने का देगी कितने का ना? इसका तो वही है 10-11 अपना नॉर्मल यही चलता आ रहा शुरू से ही। हाँ तो टॉप मॉडल में पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम भी अलग से लगवाया हुआ जब का ये था अलग से ही, जब अलग से ही। अब जैसे टच स्क्रीन चल रही है वो एंड्रॉइड, अब एंड्रॉइड चल रही है, पहले थोड़ी ना पहले तो ये लगवा लिया था यही ठीक जब से यही चल रहा अपना यही चल रहा है। 10-12 का एवरेज है इसका, 10-11 का है, 10-11 का हाईवे इन सिटी टोटली। और सर्विस का 10-15 हजार रुपए खर्चा है ही, और तो इसमें कोई अपने ऐसे खास फीचर है नहीं मेरे हिसाब से इसमें कोई खास। पर जैसे बड़ी गाड़ी के हिसाब से एसी कूलिंग कर दिया बढ़िया, एसी कूलिंग बढ़िया कर रहा भाई उस हिसाब से। एसी इसमें ये होगी, यहाँ ये तुम्हारी पीछे होगी और वे है पीछे है। हाँ। पीछे भी वे एसी विंड सी कुछ और स्पीकर है? अच्छा वो स्पीकर के पीछे स्पीकर के तो पीछे ना है इसमें एसी विंड सी, थर्ड रो में ना मिलते। चलो तो यार उतरते हैं बाहर है। तो
ये अलॉय व्हील अपने अलग से डलवाए इसमें? हाँ भाई, ये अलग से डलवाए हुए हैं। उनमें कुछ दिक्कत आ गई या ऐसी बस शौक में डल बदलवा दिए? अलॉय व्हील तो इनमें भाई शुरू में आए ना है, शुरू में तो वही थे। रिमी है इसमें? रिमी है इसमें तो शुरू में। तो ये कितने दिन हो गए इन्हें डलवाए हुए? इन्हें भाई ऐसे हो गए 4-5 साल हो गए। अच्छा, 4-5 साल हो गए इन्हें डलवाए हुए। तो टायर भी थोड़े चेंज कराए हैं वो थोड़े। तो माइलेज का इस पर कुछ फर्क पड़ा पहले से या सेम ही है? इतनी बड़ी गाड़ी है, इस पर कुछ ऐसा तो फर्क लगा ना मुझे। हाँ यही है, एक आध किलोमीटर का होता अलग। हाँ, बड़ी गाड़ी पे वैसे ज्यादातर इनका असर कुछ होता ना। अच्छा, तो ये जो आ रहे हैं इनका भी परिचय करवा दो थोड़ा थोड़ा सा भाई। है, ये हमारे भाई है सचिन। अरे इनका बाउंसर का भी तो करवा दो पीछे। अरे बाउंसर का भी तो करवा दो, ये क्या जिप रहा है? नहीं व्लॉग देना चड्डी वड्डी। अरे यू कौन है? अरे यू कौन है? बिल्कुल बचपन के मित्र हैं अपने, बिल्कुल मिठल लाल। ये हमारे टाटा सफा टाटा के जो है ड्राइवर हैं, हम ओनर हैं। टाटा ना ही स्कॉर्पियो महिंद्रा नाम में फर्क आ रहा, पीछे जाके पढ़ लो एक बार। चलो तो भाई वीडियो एंड करते हैं इसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप कुछ बोलना चाहोगे भाई? ना यार बोल दो। आप बोलना चाहोगे? बोलना चाहोगे कुछ इसके बारे में? ना एडिट ना होने की, एडिट कुछ नहीं होने का इसके बारे में। गाली नहीं, ये भैया बाग में तो कोई रहता ना इन दिनों में, तो ये इन्होंने ठेका बना रखा अपने। यहाँ बढ़िया मजे में ट्यूबवेल पे बैठ के कर गए पार्टी। भाई आप कुछ कहना चाहोगे इनके? अब बता दो। इनका मोटा पेट है वो कम करवाओ। कोई भाई हो यूट्यूब पे वीडियो देखा है जिसको जानकारी हो, एक बार भाई अपना पेट दिखा दो इनको एक बार। तो बहुत है, मैं देखो। ये देखो भाई, ये पहलवान बाउंसर। बाउंसर भाई, बाउंसर भाई। अरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए तो बोल दो यार। हाँ भैया, हाँ वो कर दियो सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। चलो करें, ठीक है। तो भाई ठीक है भाई।